की जय हो, गोरख बाबा की जय हो, गोरख बाबा की जय हो, जय हो गोरख बाबा की जय हो, जय हो गोरख बाबा की जय हो, गोरख बाबा की जय हो, गोरख बाबा की जय हो। अरे ये क्या बाबा बाबा लगा रखा है इस गांव में? क्या वो अकेला बाबा है? भीमा नाम है मेरा, सब दैत्य पिशाच मेरे नाम से कांपते हैं, मुझसे बड़ा तांत्रिक कोई नहीं है इस गांव में। कई सौ साल पुरानी बात है, उत्तर भारत के एक प्रदेश में घाटनगर नाम का एक गांव था। कहने को तो इस गांव में इंसान रहा करते थे, पर इंसानों से ज्यादा यहाँ झुलटा नाम के एक शैतान और उसकी टोली के भूत पिशाच चुड़ैल और राक्षसों का राज था, जिससे सभी गांव वाले बहुत परेशान थे। और इसी गांव में रहा करते थे गोरख बाबा नाम के एक अधेड़ उम्र के तांत्रिक। जिनके पास लोग आए दिन मदद के लिए आया करते थे। बाबा बाबा, उस झुलटा राक्षस ने मेरी बेटी को मार डाला। बाबा उस झुलटा के राक्षस ने मेरी बेटी को मार डाला। आए ना आए दिन कोई ना कोई मर रहा है। बाबा कुछ करो, बाबा कुछ करो, हमें बचा लो। बाबा हमें बचा लो। झुलटा नहीं मानेगा ये, लगता है इसका अंत करना ही पड़ेगा। हाँ बाबा कुछ करो, बाबा झुलटा से हमारा पीछा छुड़ाओ। बाबा गांव में झुलटा दैत्य और उसके साथी राक्षसों के बढ़ते प्रकोप को देख गोरख बाबा उसी गांव के एक जवान लड़के भीमा को अपना शिष्य बना लेते हैं, ताकि उनके जाने के बाद भी कोई गांव वालों की रक्षा कर सके। भीमा, इस गांव की रक्षा का भार अब तुम्हें भी संभालना होगा, क्योंकि मेरी भी अब उम्र हो चली है। मैं नहीं चाहता मेरे जाने के बाद वो झुलटा इस गांव को खा जाए। जी बाबा, मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस काम के लिए चुना। मैं तुम्हें सारी तंत्र विद्या सिखाऊंगा, मेरी सारी शक्तियों के तुम हिस्सेदार बनोगे। पर एक बात याद रखना बेटा, इन शक्तियों का कभी गलत इस्तेमाल मत करना और ना ही कभी घमंड करना, और जैसा मैं कहूँ हमेशा वैसा ही करना। जी बाबा, मेरे लिए तो आपके चरण ही सब कुछ हैं बाबा, जैसा आप कहेंगे मैं हमेशा वैसा ही करूँगा। इसके बाद गोरख बाबा भीमा को अपना शिष्य बना लेते हैं और उसे दैत्य राक्षसों से लड़ने की सभी तंत्र विद्या सिखा देते हैं। लेकिन कुछ ही समय में सारी तंत्र विद्या सीखने के बाद भीमा गलत राह पर निकल पड़ता है और सारे गांव वालों को गोरख बाबा की तारीफ करते सुन उनसे चिढ़ने लगता है। गोरख बाबा, गोरख बाबा, क्या है ये गोरख बाबा? उस झुलटा और उसके राक्षसों से लड़ने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। गोरख बाबा बुढ़ा हो चुका है अब। अरे भैया, पर उन्होंने तो आपको सारी तंत्र विद्या सिखाई है, वो गुरु हैं आपके। गुरु गुरु कुछ नहीं होता, मुझे सब आता है। अब एक रोज होता कुछ यूं है कि झुलटा दैत्य का गांव वालों पर अत्याचार और बढ़ जाता है और गांव में आए दिन किसी न किसी की मौत होती रहती है। इस पर गोरख बाबा अपने शिष्य भीमा को कहते हैं, भीमा बेटा, समय आ गया है कि घाट नगर को उस दैत्य शैतान झुलटा से हमेशा के लिए भगाया जाए, वरना सारा घाट नगर मौत के घाट उतर जाएगा। इसके लिए हम दोनों को उससे लड़ना होगा। जी बाबा, जैसा आप कहें। इसके साथ ही गोरख बाबा भीमा के साथ झुलटा से लड़ने की नियति बनाते हैं और उसके पास पहुंच जाते हैं। झुलटा बाहर आ, अब तेरा अंत निश्चित ही होगा। तूने गांव वालों को बहुत प्रताड़ित किया है, बाहर आ। देख, मैं और भीमा तेरी मौत का न्योता लाए हैं। बाहर आ झुलटा, बाहर निकल, अब तेरा खेल खत्म।
गोरख आया तू बनने के लिए और साथ में इस चूजे को भी ले आया। ये चूजा नहीं तेरा काल है झुंडा, तेरा काल। अच्छा तो आ जा फिर, देखते हैं कौन किसका काल है। ओम जय महाकाल। गेले झुलता गेले। गोरख अब ये भी देख जाऊं, बहुत बड़ा बाबा है तू। ओले गोरख गेले झुलता, अब नहीं बचेगा तू। ये ओम शक्ति जय माता, जय माता। ये मैं शैतान हूँ, ये मुझसे नहीं जीत पाएगा तू। और कुछ समय बाद झुलटा अपनी राक्षसी शक्तियों से गोरख बाबा पर हावी हो जाता है और गोरख बाबा अपने शिष्य भीमा से मदद के लिए बोलते हैं। गोरख तेरी कहानी खत्म, वेदांतिक बहुत बड़ा बाबा है ना तू। बाबा ऐसे कैसे झुलटा को मार दूं? पहले आप तो मरो। आप मरोगे तो गांव वाले मुझे अपना गुरु मानेंगे। झुलटा मार डाल इस बुड्ढे को। देखा गोरख बुड्ढे, तेरा चेला मेरे साथ है। अब हम दोनों मिलकर इस गांव में तबाही मचाएंगे, क्यों भीमा? हाँ झुलटा बिल्कुल, क्यों नहीं, पर पहले तो इसे तो खत्म कर। ये ले गोरख तेरा खेल खत्म। तूने गलत किया बेटा, अपने गुरु को धोखा दिया तूने। और इसी के साथ भीमा के लालच के कारण झुलटा गोरख बाबा को वहीं मार डालता है। झुलटा जैसा तूने कहा था वैसा हो गया, ये देख मर गया बुड्ढा। अभी तो गुरु मरा है, चेला भी तो मरेगा। मतलब ये क्या बोल रहा है तू? मतलब ये कि शैतान किसी का सका नहीं होता। नहीं, झुलटा तू मुझे नहीं मार सकता। नहीं तू मुझे नहीं मार सकता। ये ले, छोड़ दे मुझे। तूने मुझसे वादा किया था कि गोरख के बनने के बाद मुझे अपने साथ शामिल कर लेगा। छोड़ दे मुझे। झुलटा हूँ मैं और झूठा भी। हजार राक्षसों को छान के एक झुलटा बनता है। गोरख बाबा मुझसे गलती हो गई, मैंने आपकी बात नहीं मानी। आपने समझाया था कि कभी भी शैतानों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, पर मैं नहीं माना बाबा, मुझसे गलती हो गई। गोरख बाबा और इसी के साथ झुलटा भीमा को भी वही मार डालता है। गोरख बाबा ने भीमा को तंत्र विद्या की तालीम के दौरान समझाया था कि कभी भी शैतानों के बहकावे में मत आना, क्योंकि वो किसी के सगे नहीं होते। लेकिन भीमा ने अपने गुरु की बात नहीं मानी और उसकी इस लापरवाही ने अपनी और अपने गुरु गोरख बाबा के साथ साथ सारे गांव वालों की जान ले ली। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। मैं अगली बार फिर आपसे होऊंगा रूबरू किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सुनते रहिए पॉडकास्ट स्टार।